तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। पिछली क्लास में पढ़े थे हमने संज्ञाओं के साधारण प्रयोग, सामान्य प्रयोग। ठीक है, सामान्य रूप से संज्ञाओं को हमने पढ़ा था, उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ यौगिक और योगरूढ़ होता है, अर्थ के आधार पर चार प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आप आखिरी में होती है भाववाचक संज्ञा। तो इन सभी को हमने देखा था, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाववाचक संज्ञा थी जो हमने देखी थी। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसी के आधार पर ये अगली क्लास है। ठीक है, तो संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग देखते हैं। ठीक, तो जमाना बदल गया है, अब साधारण रूप से संज्ञा बहुत कम आती है, संज्ञाओं के सामान्य प्रयोग तो पूछता ही पूछता है, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग में हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे पहला वाक्य है, आज के समय हरिश्चंद्रों की कमी है। ठीक है, आज के समय हरिश्चंद्रों की कमी है। तो ये जो हमारी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसमें एक शब्द है यहां पर हरिश्चंद्रों, आज के समय हरिश्चंद्रों की कमी है। तो हरिश्चंद्रों यहां पर कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। ठीक है, हरिश्चंद्रों यानी कि हरिश्चंद्रों का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो हमेशा सच बोलता हो, ईमानदार हो। तो जितने भी सच बोलने वाले और ईमानदार व्यक्ति हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा डिनोट किया गया है। इसी का दूसरा वाक्य क्या बनेगा, हरिश्चंद्र एक अच्छा राजा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हरिश्चंद्र है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही राजा हरिश्चंद्र की बात करी जा रही है, जो राजा था उसका नाम हरिश्चंद्र, केवल एक आदमी का नाम यहाँ पर लिखा गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आज के समय हरिश्चंद्रों की कमी है तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखते हैं, देश को जय चंद्रों से हानि है, देश को जय चंद्रों से हानि है। तो यहां पर हमारा जो शब्द है वो जय चंद्र, इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसका दूसरा वाक्य क्या बनेगा, जयचंद्र एक बेईमान राजा था, जयचंद्र क्या था, एक बेईमान राजा था। तो यहां पर भी जयचंद है, लेकिन यहां पर जयचंद क्या, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बताया गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक नाम बताया गया है जिसके लिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं, वहां ये तीसरा उदाहरण है आपका, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। ठीक है, तो वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कई प्रकार के तेल। ठीक, तो यहाँ कई प्रकार के तेलों की बात हो रही है तो बहुत सारे तेल इसमें शामिल हैं, इसलिए हो जाएगा ये जातिवाचक। ठीक है, इसके लिए स्क्रीन में आपको सबको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, दिख रहा है। तो यहाँ पर इसी का दूसरा वाक्य क्या बनेगा, वहाँ तेल बिकता है, वहाँ क्या है, तेल बिकता है। तो यहाँ तेल है, इस तेल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपकी द्रव्यवाचक, यानी कि
पदार्थ वाचक। ठीक, तो ये रहे आपके तीन उदाहरण, इनको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके और उदाहरण आपको बताते हैं। बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको एक बार आप कवर कर लो। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, पैट में जो अभी एग्जाम आने वाला है, पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें सारे कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर चौथा वाक्य देखते हैं, सेना युद्ध के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेना, एक शब्द यहां पर दिया हुआ है सेना, तो देख सकते हैं आप सेना में कौन सा संज्ञा होती है, आपको पता है इसमें समूहवाचक होती है। ठीक है, हमने पढ़ाया था आपको समूहवाचक, तो सेना में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी का दूसरा वाक्य क्या बनेगा, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, यहां पर भी सेना लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेनाओं यहां पर क्या है, पूरा बहुत सारी सेनाओं की बात हो रही है, तो जहां बहुत सारी सेनाएं होंगी वहां क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक, और इसके उदाहरण देखते हैं, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी चोरी पकड़ी गई। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द है चोरी, ये एक प्रकार का भाव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर उस इलाके में कई चोरियां हुई, उस इलाके में कई चोरियां हुई। ठीक है, तो यहां पर देखो एक शब्द फिर से, यहां पर चोरी भाववाचक संज्ञा थी और यहां पर कई चोरियां हैं, है ना, यानी कि ढेर सारी चोरियों को यहां पर एक ग्रुप में शामिल करके बता दिया गया है। तो जब बहुत सारी चोरियों को एक ही बारे में बता दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, पांच उदाहरण हमने आपको बताए हैं। ठीक है, संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग में, अब हमें देखना है विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसमें एक और बहुत बड़े बढ़िया टॉपिक है, विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग बताते हैं। फिर जो अगली हेडिंग है आपकी वो है विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, तो विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, जैसे कि वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। ठीक है, तो यहां गरीब में क्या आ जाएगा, ये क्या है गरीब, ये विशेषण है, ये गरीब क्या है, विशेषण है। दूसरा इसी का क्या बनेगा, गरीबों की मदद करना चाहिए, यहां पर भी गरीब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत सारे गरीब है, सभी गरीबों की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, गरीबों की मदद करना चाहिए, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण, वे जाने माने विद्वान हैं, वे
जाने माने विद्वान हैं। ये क्या है इसमें? विशेषण। विद्वान क्या है आपका? विशेषण है, ठीक है। विद्वान क्या है? विशेषण है। इसी का दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा? विद्वानों का आदर करना चाहिए, विद्वानों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी एक विद्वानों शब्द आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक। इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद में है क्रिया का प्रयोग, ठीक है। विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग है, अब क्रिया का संज्ञा के रूप में प्रयोग है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको आप वीडियो को पोस्ट करके लिख लें। फिर है अगला अपना क्रिया का संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे उदाहरण के तौर पे टहलना क्या है? क्रिया है। टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है, ठीक है। टहलना क्या है? सेहत के लिए जरूरी कदम है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखना है कि जो टहलना है, यहाँ पर कोई टहल नहीं रहा, यहाँ पर कोई टहल नहीं रहा है, केवल बताया जा रहा है कि टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है। तो यहाँ टहल क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो टहलना क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। और उदाहरण देखते हैं इसी के। चलने से दूरी तय होती है, चलने से क्या होता है? दूरी तय होती है। तो यहाँ पर चलना एक क्रिया है, लेकिन कोई चल नहीं रहा है। यहाँ पर चलना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन कोई यहाँ पर चल नहीं रहा, केवल बताया जा रहा है कि चलने से दूरी तय होती है। तो यहाँ पर क्रिया को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये संज्ञा है, ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण देखते हैं। दौड़ना खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल है, ठीक है। दौड़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन कोई दौड़ नहीं रहा है, केवल बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। और दो उदाहरण देखते हैं। पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक है। तो पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा, केवल बताया जा रहा है कि पढ़ना एक अच्छी क्रिया है, तो पढ़ने को हमने क्या किया? संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है। तो ये सब क्या है? संज्ञा है अपनी। फिर अगला टॉपिक हमारा क्या है? वो है अव्यय का संज्ञा के रूप में प्रयोग, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अव्यय शब्द हमने आपको बता ही दिए थे, जिसका लिंग वचन कारण कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका कोई सार्थक समास विग्रह संधि विच्छेद नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो अव्यय शब्द में अव्यय का संज्ञा के रूप में प्रयोग, जैसे हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है। तो ये आपका अव्यय के रूप, अव्यय का संज्ञा के रूप में विशिष्ट प्रयोग है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये अव्यय शब्द है हाँ में हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो अव्यय का क्या किया है इसने? संज्ञा के रूप में विशिष्ट प्रयोग किया है। तो ये हमने संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है अपने पूरा, है ना। तो संज्ञा हमारी पूरी हो गई। तो पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञाओं के सामान्य प्रयोग, दूसरी क्लास में पढ़ा संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, ठीक है। अब अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें पढ़ेंगे संज्ञा के विकार।
तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आपको एक लाइन से पूरी क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपसे हमें एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, एक छोटा समर्थन चाहिए। तो जिन्होंने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बस यही एक छोटा सा आपसे सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए इसी प्रकार से सारे एक लाइन से नोट्स कंप्लीट करवाएंगे ऑनलाइन क्लास में आपकी। और ऑफलाइन क्लास भी हमारी चल रही है राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, न्यू नॉलेज कोचिंग उत्सव पैलेस के सामने चौपरा रोड पर। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं।